तो ऐसे जो लोग हैं जहां जिनके घर में अभी तक एजुकेशन नहीं आ गया है और बड़े पैमाने पे गुर्बत है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गुर्बत अगर कहां है तो मुसलमानों में, तो उनके बच्चों का क्या करने का वो सवाल हमारे सामने है। ओबीसी को ओबीसी मुसलमान लेके देने के बाद जो मुसलमान रहता है, जो गरीब है, पावर्टी लाइन के पीछे सबसे ज्यादा मुसलमान है महाराष्ट्र में, 11.5% मुसलमान है उसमें, बड़े पैमाने पे मुसलमान पावर्टी लाइन के खिलाफ नीचे है। मुंबई में आप देखिए मुसलमानों की बस्ती कहाँ है, झोपड़पट्टियों में मुसलमान रहता है, घर अच्छे घर में उनके, मुसलमान अच्छे घर में रहना नहीं चाहता ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए दिया ही नहीं जाता। तो ये सारी बातों को के ऊपर हम पूरा दिन बात करने वाले हैं 4 बजे, और उसके बाद हमें तय करना चाहिए कि किस ढंग से ये आंदोलन आगे ले जाने का। आंदोलन तो करना है ना, क्या हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे हक के लिए हुकूक के लिए हम लोग आंदोलन रास्ते पे नहीं आते, गलत बातों के लिए रास्ते पे जल्दी आते हैं। ये कुछ नहीं करना ऐसा मैं बोलता हूँ, मैं मुसलमानों के लिए कुछ मांगता नहीं, मेरा कहना है कि मेरा हर बच्चा स्कूल में जाना ही चाहिए, इसलिए हम लोगों ने काम किया, एक भी बच्चा और बेटी भी स्कूल के बाहर नहीं रहेंगे। मुझे बड़े, मैं हमेशा इसका मिसाल देता हूँ कि आजकल जमातें जो चलाते हैं यानी ट्रस्ट जो मस्जिदों का सारा कारोबार देखते हैं, ऐसी जमातें आजकल स्कूलें निकालने लगी हैं और वो बहुत अच्छी बात है। मैं जब यहाँ मनोहर जोशी का सरकार था बीजेपी शिवसेना का, तब मेरे पास हमारे विभाग के कुछ लोग आए, बोले हम स्कूल चलाना करना चाहते हैं, जरा परमिशन चाहिए। तो कौन करने थे, कौन सा ट्रस्ट है, ट्रस्ट वो था जमात थी हमारे इधर, उसको जमात बोलते हैं, वो ट्रस्ट के जरिए बोला आप मस्जिद चलाएंगे या स्कूल चलाएंगे, बोला दोनों चलाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सुधीर जोशी साहब तब एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके पास लेके गया, हाँ बोले करेंगे, किए नहीं। एक महीने के बाद फिर वो लोग आए, फिर गया, करेंगे बोले, करेंगे नहीं, तीसरी बार लोग आए, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो, मुझे उन्होंने एंटी चैम्बर में लेके गए और उन्होंने कहा ये जरा प्रेस में देना नहीं, उन्होंने ये कहा कि उर्दू स्कूल देने के लिए ऐसा हम लोगों ने तय किया। तो मैंने उनको समझाया, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मादरी जुबान में सीखना चाहिए, कोंकण के लोगों ने मराठी में सीखना चाहिए, ऐसा ही मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन ठीक है उर्दू स्कूल चलाते तो उर्दू में तो जाने दो। मैंने उनको बताया कि ये स्कूल मांगने वाले कौन है, ये जमात के लोग हैं, ये पहली बार मेरे ध्यान में आया इसलिए मैं तीसरी बार आपके पास आया, मेहरबानी करके इनको दीजिए, एक मिसाल हो जाएगी और कहाँ ना कहाँ आगे जाके मुसलमान मस्जिदों के साथ साथ स्कूल भी चलाएंगे, जो क्रिश्चियन लोग जिस ढंग से चर्च और स्कूल चलाते हैं वैसे हमारा मेरे कौम के लोग भी चलाएंगे। वो बोले ठीक है मैं बाला साहब से बात करता हूँ। दूसरे दिन उनका उनके पीए का फोन आया कि साहिबा ने तुम्हारा बोलाओ नहीं। मैं जाने के बाद उन्होंने मुझे एंटी चैम्बर में लिया, बोले बाला साहबाना मैं सांगितलं कि दलवाई साहब आले होते त्यांचं असं असं म्हणणं आहे। उस वक्त मैं MLC नहीं था, मैं खासदार नहीं था, मैं मंत्री नहीं बना था, मैं कुछ नहीं था, मैं झोली लेके घूमने वाला कार्यकर्ता था और आज भी वही करता हूँ, है ना। तो बाला साहब को ये बोलने के बाद कि दलवाई साहब आए थे उन्होंने ऐसा ऐसा उनका प्रपोजल है, हुसैन दलवाई आ रहा था देवनटा, वो शायद वो पहले इस तरह की
स्कूल होगी। उसके बाद मेरे गांव वालों ने एक स्कूल बहुत अच्छी बनाई है, नेशनल हाई स्कूल करके गांव में मेरे, और वहां कॉलेज भी बनाया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से भी मौलाना साहब आप अगर उसमें ये करेंगे तो ये मस्जिद और स्कूल उसका नाता भी बहुत नज़दीक का है, वह आप भी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी हम लोगों ने करना चाहिए। ये मीटिंग जो ली है वो एजुकेशन का मामला है ही, लेकिन रिजर्वेशन का मामला है। आप लोग जो तय करेंगे वो आगे जाके हम लोग उसके ऊपर आंदोलन करना क्या करना वो करेंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है कि पूरे दिन आपको बैठना है, 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है 4 बजे, और हमारा जो कार्यक्रम हम तय करेंगे वो उनके सामने जाने वाला है। मैं इतना ही प्रस्तावित कर रहा हूँ, आप सब लोग जो जो अलग अलग इदारे के लोग आए हैं, अंजुमन के लोग आए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो आज काम भी कर रहे हैं, कहाँ ना कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आए हैं, वो भी यहाँ अपनी बात रखेंगे और मुख्तसर में रखेंगे तो पॉइंट्स लिखे जाएंगे। और बात बताते वक्त ये भी बताना कि आंदोलन किस ढंग से हो सकता है, क्या कर सकते हैं, एक ही तरह का आंदोलन हो सकता है क्या महाराष्ट्र में पूरा? अलग अलग होगा तो मेरा कुछ विरोध नहीं, उसको लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। ज़्यादा पॉलिटिकल होने के बजाय नॉन पॉलिटिकल होगा तो अच्छा होगा, इसलिए आज का सदर मैं नहीं हूँ, जानबूझ के इनको मैं सदर करने के रिक्वेस्ट की। वो मुझे बोले आप हैं तो मैं क्यों सदर हूँ, बोला नहीं आपकी इमेज अलग है, मेरी इमेज अलग है, हमारी जरा मलिन इमेज है। आपकी आपका चेहरा जितना खूबसूरत है वैसे आपकी इमेज भी खूबसूरत है, इसलिए उनको जानबूझ के सदर बनाया गया है। तो ये आप सब लोग अच्छी तरह से बात करके कहाँ ना कहाँ हल निकालेंगे, ऐसी ख्वाहिश है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया दिल भाई साहब, आपने इस प्रोग्राम का, इस मीटिंग का मकसद बयान किया, नॉन पॉलिटिकल व राजकीय सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग है, दानिशरों की मीटिंग है।